हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो पे। दोस्तों मैं हूं जावेद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जावेद प्रतापगढ़ी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैं जो भी वीडियो बनाता हूं दोस्तों वो 2D और 3D दोनों में बनाता हूं। दोस्तों मैं 2D में आपको बताता हूँ कि हमारा टोटल एरिया कितने स्क्वायर फीट का है, और दोस्तों मैं उसके साथ साथ आपको बताता हूँ कि इसमें कितने टोटल बेडरूम है, कितने विंडो है, कितने डोर्स हैं, कितने किचन है, कितने बाई कितने का है। तो मैं दोस्तों आपको 2D में फुल डिटेल वीडियो बताता हूं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको 3D में बताता हूं और दिखाता हूं कि अगर आप मेरे इस डिजाइन से अपने घर को बनवाते हैं तो घर तैयार होने के बाद हमारा घर किस तरह से दिखेगा, उसकी कलरिंग क्या होगी, उसकी पेंटिंग किस तरह से होगी, और दोस्तों उसकी डिजाइन किस तरह से दिखेगी बनने के बाद। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों बिना देर किए हुए चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 2D में, फिर उसके बाद दोस्तों हम आपको 3D में दिखाएंगे कि हमारा घर बनने के बाद किस तरह से दिखेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पास घर के डिजाइन का एक नक्शा है। दोस्तों ये जो घर होने वाला है ये हमारा ईस्ट फेसिंग हाउस होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा ईस्ट फेसिंग हाउस होने वाला है। दोस्तों इसका जो एरिया होने वाला है आप देख सकते हैं, जो इसकी चौड़ाई होने वाली है वो 30 फीट की होने वाली है, और दोस्तों जो इसकी लंबाई होने वाली है वो 46 फीट की होने वाली है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये जो हमारा एरिया है वो है 30 बाई 46 फीट का। ठीक है दोस्तों अगर इसको हम स्क्वायर फीट में देखेंगे, अगर जब हम इसको स्क्वायर फीट में अगर देखना चाहते हैं दोस्तों तो ये होने वाला है 1380 स्क्वायर फीट का। ठीक है दोस्तों, तो तीन चीज़ तो हम जान गए, ये हमारा ईस्ट फेसिंग हाउस होने वाला है, इसका एरिया 30 बाई 46 फीट का होने वाला है, और स्क्वायर फीट 1380 स्क्वायर फीट का होने वाला है। दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि इसमें टोटल कितने बेडरूम हैं और कितने बाई कितने के होने वाले हैं, और इसमें किचन, लैट्रिंग, बाथरूम, लिविंग रूम, गेस्ट रूम कहाँ पे होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इधर से हमारा मेन गेट होने वाला है जिससे हम घर के अंदर आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों जब हम घर के अंदर आएंगे तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें गार्डन दिखेगा। हमारे राइट साइड पर गार्डन है दोस्तों, और दोस्तों हमने घर के ठीक सामने ही एक पार्किंग एरिया बनाया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं, ये हमारा पार्किंग एरिया है दोस्तों। यहाँ पे हम अपनी बाइक या फिर कार वगैरह खड़ी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हम घर के बाहर से ही स्टेयर्स बना दिए हैं जिससे हम घर के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं घर के अंदर देखने की कितने रूम है, कितने बेडरूम है, और कितने बाई कितने के होने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं हमारा किचन आता है। किचन होने वाला है दोस्तों 8 फीट इसकी लेंथ होने वाली है, और जो इसकी चौड़ाई होने वाली है दोस्तों वो होने वाली है टोटल 12 फीट की। तो हम कह सकते हैं दोस्तों जो हमारा किचन है वो होने वाला है 12 फीट बाई 8 फीट का। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 12 फीट बाई 8 फीट का हमारा किचन हो गया। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये जो आप देख रहे होंगे कि ये जो गैलरी दिख रही है आपको ये 6 फीट की है। ठीक है दोस्तों, 6 फीट की हमारी गैलरी है। ठीक है दोस्तों, और जो हमारा गेस्ट रूम है दोस्तों वो होने वाला है, जो इसकी लेंथ होने वाली है, ये जो लंबाई होने वाली है दोस्तों ये होने वाली है 11 फीट की, और जो इसकी चौड़ाई होने वाली है दोस्तों ये होने वाली है 12 फीट की। तो हम कह सकते हैं जो हमारा गेस्ट रूम है दोस्तों वो होने वाला है 12 फीट बाई 11 फीट का। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो हमारा पहला बेडरूम होने वाला है दोस्तों जो कि लेफ्ट साइड में है वो होने वाला है, उसकी जो चौड़ाई होगी दोस्तों वो ठीक 12 फीट की होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर 12 फीट किचन है तो 12 फीट हमारा ये बेडरूम भी होगा और ये बेडरूम भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो दोनों बेडरूम की चौड़ाई होने वाली है वो 12 फीट की होने वाली है, और जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों इसकी जो लेंथ होने वाली है वो 11 फीट की होने वाली है। तो जो हमारे दोनों बेडरूम है दोस्तों वो होने वाले हैं 12 फीट बाई 11 फीट के। ठीक है दोस्तों, 12 फीट बाई 11 फीट का हमारा दोनों बेडरूम होने वाला है। दोस्तों जो हमने लास्ट में ये बेडरूम आप देख रहे होंगे इससे हमने एक अटैच टॉयलेट बाथरूम जोड़ रखा है दोस्तों। 15 फीट की इसकी चौड़ाई होने वाली है दोस्तों, और जो इसकी लेंथ होने वाली है वो होने वाली है 5 फीट की। तो हमने 2 अटैच टॉयलेट बाथरूम बनाया है दोस्तों लास्ट में, बैक साइड में आप देख सकते हैं। और ये जो हमारा ये भी बेडरूम होने वाला दोस्तों ये भी होगा 12 फीट बाई 11 फीट का। दोस्तों हमने इसमें एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम भी बनाया हुआ है जो कि होने वाला है 6 फीट बाई 12 फीट का, ये 6 फीट का होगा दोस्तों। और इसमें हमने एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम भी बनाया हुआ है दोस्तों जो कि आप देख सकते हैं लिविंग रूम के ठीक सामने ही है, वो होने वाला है 5 फीट बाई 12 फीट का।
ठीक है दोस्तों, ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम है दोस्तों, और ये अटैच टॉयलेट बाथरूम है दोनों बेडरूम से। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लिविंग रूम होने वाला है, और लिविंग रूम से दोस्तों हम देख सकते हैं हमने एक पूजा रूम भी बनाया हुआ है। यहाँ पे हमारा पूजा रूम होने वाला है दोस्तों। ये स्टेयर्स हो गए, पार्किंग हो गया, गार्डन हो गया, ये गेस्ट रूम हो गया दोस्तों, ये पूजा रूम हो गया, ये लिविंग रूम हो गया, ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम हो गया, ये बेडरूम हो गया, ये अटैच टॉयलेट बाथरूम हो गया। ठीक उसी तरह दोस्तों ये किचन हो गया, ये हमारा बेडरूम हो गया, ये भी एक बेडरूम है दोस्तों, दूसरा बेडरूम हो गया, ये अटैच टॉयलेट बाथरूम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम आपको दिखा देते हैं अगर हम इस घर में एक स्टोर रूम बनाना चाहते हैं तो किस तरह से बना सकते हैं दोस्तों। वो ऑप्शनल है, आपको जो भी पसंद आए, आप चाहे तो इस तरह से अपने घर को बनवा सकते हैं, या फिर जो मैं अभी बताने वाला हूँ कि हमारे घर में एक स्टोर रूम भी होना चाहिए, तो अगर आप चाहें तो आप दूसरे तरीके से भी अपने घर को बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि हम देख रहे हैं ये जो हमारा अटैच टॉयलेट बाथरूम है इसमें काफ़ी सारी एरिया बचा हुआ है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा अटैच टॉयलेट बाथरूम है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा एरिया में बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा टॉयलेट बाथरूम है इसको हम यहाँ से 4-4 फीट कम कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये दीवार यहाँ से हट जाएगी, ये दीवार एक यहाँ आ जाएगी और एक यहाँ पर, ये वाला जो हमारा स्पेस बचेगा दोस्तों, ये वाला, यहाँ पे हम एक डोर बना देंगे, यहाँ पे हमारा एक डोर आ जाएगा दोस्तों। तो ये जो एरिया बचेगा दोस्तों टोटल 6 या फिर 8 फीट का हमारा जो एरिया बनेगा इसको हम स्टोर रूम बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक अटैच टॉयलेट बाथरूम इस बेडरूम का हो जाएगा, एक अटैच टॉयलेट बाथरूम इस बेडरूम का हो जाएगा, बाकी ये जो बीच में एरिया बचेगा दोस्तों यहाँ पे हम एक डोर लगा देंगे, तो ये हमारा एक स्टोर रूम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर जो पहले तरीके था आप उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम देख लेते हैं कि जब हम इस डिज़ाइन से, इस नक्शे से अपने घर पर बनवाएंगे तो 3D में बनने के बाद हमारा घर किस तरह से दिखेगा। तो चलिए अब हम आपको 3D इस घर के नक्शे को दिखाते हैं दोस्तों।